रोहित से शादी करने से पहले विराट कोहली को डेट कर चुके हैं रितिका। प्रेग्नेंट होने के बाद आग की तरह फैली थी खबर। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदे अक्सर अपने पति को सपोर्ट करने क्रिकेट के मैदान पर पहुंच जाती हैं। वो लगभग हर मुकाबले में रोहित की फैन बनकर उन्हें सपोर्ट करती हैं। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदे का जन्म 31 दिसंबर 1987 को मुंबई में हुआ था। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम समायरा शर्मा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहित शर्मा की शादी से पहले रितिका सजदे को विराट कोहली डेट कर चुकी हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की लव स्टोरी उनकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रोहित अपने करियर के मध्य दौर में रितिका से मिले थे। रितिका ने साल 2007 में एक टैलेंट मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। इसी जॉब के जरिए उनकी मुलाकात रोहित शर्मा से हुई। इसके बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। रोहित शर्मा से रितिका की मुलाकात टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने कराई थी। फिर दोनों की लव लाइफ में कई रोचक मोड़ देखने को मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रितिका रोहित शर्मा से शादी करने से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और हिटमैन के जिगरी दोस्त विराट कोहली को डेट कर चुकी हैं? स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पर काम कर रही हैं। इससे पहले वो अपने करियर के शुरुआती दौर में पति रोहित की मैनेजर रह चुकी हैं। गौरतलब है कि रोहित शर्मा पहले रितिका ने 3 साल तक विराट कोहली को भी मैनेज किया है। वहीं मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि विराट ने रितिका को भी डेट किया है और दोनों साथ में मूवी डेट पर भी गए, लेकिन वास्तव में इसका कोई प्रमाण दे पाना मुश्किल है। कहा जाता है कि उस समय कोहली रितिका के अफेयर को लेकर चर्चा काफ़ी थी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।